हमारे बीच में अन्ना जी अभी कुछ आपसे कहेंगे, ध्यान से सुने। एक बात सब लोगों ने तय की थी कि राजकीय नेता है वो स्टेज पर नहीं आएगा, लेकिन एक बात उठी कि ठीक है राजकीय नेता नहीं आते, लेकिन एक मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं, मुख्यमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, वो इस पद का सम्मान, मुख्यमंत्री इस पद का सम्मान, वो सम्मान बोलकर यहाँ पर जो आए हैं वो अभी बात करें। माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। दोस्तों, ये भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन लाया जा रहा है, ये संशोधन किसानों के खिलाफ है, ये संशोधन गरीबों के खिलाफ है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के टाइम में खूब घोटाले हुए, उन्होंने भी गरीबों की जमीनें, किसानों की जमीनें छीन छीन कर कुछ चंद बड़े बड़े उद्योगपतियों को देनी शुरू की। कांग्रेस की सरकार को भी घमंड हो गया था, तो दोस्तों इस देश की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन लोगों से जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन दोस्तों इन्होंने तो कांग्रेस के कानून को भी संशोधन करके ऐसा कानून लेके आए हैं कि अब ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। ये भी सरकार अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो एक तरह से सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का दलाल बन जाएगी, उनके प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगी। दोस्तों हम इसका घोर विरोध करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार सबक ले। मई के महीने में केंद्र सरकार में भाजपा को भारी वोट देकर लोगों ने जिताया था, लेकिन आज 8-9 महीने के बाद उनकी नीतियों की वजह से लोगों ने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को उखाड़ के फेंक दिया। इस देश के अंदर जो भी पार्टी, जो भी सरकार गरीबों की खिलाफत करेगी, गरीबों के खिलाफ कानून बनाएगी, किसानों की खिलाफत करेगी, किसानों के खिलाफ कानून बनाएगी, उसको जनता बिल्कुल टिकने नहीं देगी, उसको जनता सबक सिखाएगी। बोलिए। हम अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में देश भर में जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते मैं ऐलान करना चाहता हूं कि दोस्तों हालांकि जमीन का मुद्दा दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता है, दिल्ली में जमीन का मुद्दा केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन दिल्ली सरकार की जितनी भी ताकत होगी दिल्ली के अंदर किसी की भी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं की जाएगी।
चाहती है, अगर हम स्कूल खोलना चाहते हैं, अगर हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, अगर हम मेट्रो बनाना चाहते हैं, अगर हम जनता को सुविधा देना चाहते हैं, मैंने देखा है जनता खुशी खुशी अपनी जमीन देती है। दोस्तों, मैं अभी दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कई गांव देहात में गया था। दिल्ली में 360 गांव हैं। दिल्ली की जनता के बीच में जब मैं गया, गांव देहात के लोगों ने मुझे कहा, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए। मैंने उनसे पूछा, जमीन कहां से आएगी? बोले, अरविंद जी, जमीन हम देंगे, कॉलेज आप बनवाओ। अगर हम इस देश का सही विकास करना चाहते हैं तो देश की जनता को साथ लेकर काम करना पड़ेगा। देश की जनता के ऊपर बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो जनता आपके ऊपर बुलडोजर चला देगी। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार पूरी कोशिश करेगी, जितनी ताकत दिल्ली सरकार के पास है, कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में जबरदस्ती जमीन नहीं लेने देंगे। और जब भी जनता की मर्जी से जमीन ली जाएगी, उनको पूरा मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। जो इन्होंने 4 गुना रेट कह रहे हैं, ये धोखा है। अभी मेरे को कोई बता रहा था, मेरठ के ऊपर 2000 रुपए सर्कल रेट है, 20000 रुपए मार्केट रेट है। ये लोग कहते हैं 4 गुना देंगे, 8000 रुपए देंगे, जबकि मार्केट रेट 20000 रुपए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? तो दोस्तों, ये धोखा है, ये पूरा कानून धोखा है। और अन्ना हजारे जी को मैं ये कहना चाहता हूं, मैं उन्हें हमेशा अपना गुरु मानता हूं, पिता समान मानता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अन्ना जी, हम आपके साथ हैं, आखिरी तन मन धन से हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। और एक और निवेदन आज मैं अन्ना जी से करने के लिए आया हूं कि अगर अन्ना जी कल 10 मिनट के लिए सचिवालय में अपने चरण रखेंगे तो हमारा सचिवालय शुद्ध हो जाएगा। अगर दिल्ली के जितने भी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, मैं चाहता हूं कि अन्ना जी 10 मिनट के लिए सचिवालय में आए और दिल्ली सरकार के सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को संबोधन करें। हम सब लोगों को आपसे प्रेरणा मिलेगी और आगे और अच्छा काम करने की हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।